सीतापुर लोकसभा सीट पर बड़ा ही रोचक और दिलचस्प मुकाबला इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी ने जिस तरह से बढ़त बनाई थी, वो बढ़त लगातार बढ़ती ही जा रही है। कितनी बड़ी है, कितने मतों से आगे चल रहे हैं, सीधे फोन लाइन जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु, बताएं इस वक्त सीतापुर लोकसभा सीट का क्या हाल है? जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट पर जैसा कि जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन प्रत्याशी है राकेश राठौर, उन्होंने एक दावा किया था कि वो एग्जिट पोल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्होंने एक दावा किया, ये किया था कि वो 1,00,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। तो जिस हिसाब से काउंटिंग जब स्टार्ट हुई 8 बजे से, उसके बाद से जो रुझान आ रहे हैं मतगणना में, काउंटिंग में, उससे ये लग रहा है कि वो अपनी जो बात उन्होंने की थी उस पर कहीं ना कहीं वो खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक का जो मतगणना का हाल है, उसमें उन्होंने 74,000 से अधिक की लीड बना ली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनसे शुरुआत से ही पीछे चल रहे हैं, राजेश शर्मा। अब हम आपको वो भी बता देते हैं कि 1 बजे तक किसको जो वोटिंग जो खुले हैं नतीजे, उसमें कितने किसको वोट मिले हैं। तो कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को 74,725 मत मिले हैं। इसके मुकाबले आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, इन्हें 2,15,060 वोट मिले हैं। और बात करें अगर महेंद्र सिंह यादव की, तो उन्हें खासा आपको बताएं कोई प्रभाव नहीं डाल पाए हैं, उन्हें 49,948 ही मत मिल सके हैं। इस प्रकार अगर हम लीड देखें कांग्रेस और सपा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर की, तो कुल लीड अब 74,725 की हो गई है। और जिस हिसाब से लीड बढ़ती हुई जा रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि जो लीड है वो 1,00,000 पार कर जाएगी निशान। बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि जिस हिसाब से लीड लगातार बढ़ रही है और वो बढ़ती ही जा रही, धीमे धीमे ही सही लेकिन तेजी से सब बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें प्रियांशु की जहां मतगणना यहां पर हो रही है ग्यारहवीं वाणी और पीटीसी में, वहां सपाइयों का भी हुजूम बढ़ने लगा है। जो टोपियां हैं समाजवादी पार्टियों की लाल रंग की, वो भी पहने लोग यहां पर जो है दिख रहे हैं। और इस वक्त जो माहौल है, यकीन मानिए बिल्कुल तरीके से जो है पूरी तरीके से गठबंधन का जोर चल रहा है। और ऐसे में सीतापुर लोकसभा सीट पर 74,904 लोग जो है मतों से राकेश राठौर गठबंधन प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक बार आपको पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताते हैं कि यहाँ पर 80 सीटें हैं और जिसमें समाजवादी पार्टी की 36 सीट इस वक्त चल रही है, बीजेपी 33 पर है और INC 7 पर है, RLD 2 पर है और अन्य दल 1 है और ASPKR भी 1 है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो सपा है वो अभी तक बढ़त पे चल रही है, चाहे प्रदेश में हो और चाहे वो गठबंधन सीतापुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी पर हो। तो फिलहाल अभी जो ये बढ़त है वो 74,000 के करीब बढ़त है राकेश राठौर की। और जैसा कि आई इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो एग्जिट पोल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल चल रहे थे और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बढ़त दिखाई थी, गठबंधन को बहुत कम आंका भी गया था। और लेकिन उससे जो इस वक्त आज 4 जून को जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि राकेश राठौर प्रत्याशी जो थे उन्होंने खुद कह दिया था कि वो एग्जिट पोल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज वही वो हकीकत भी हो रहा है। फिलहाल अभी और भी EVM खुल रही है, राउंड दर राउंड चल रहे हैं, आगे क्या होता है ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है राकेश राठौर गठबंधन प्रत्याशी वो बढ़त पर हैं। फिलहाल प्रियांशु धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।